इन फिल्म से ट्रेलर का कोई लेना देना नहीं है। जैसे ट्रेलर जो है वो 72 हुरे नहीं है, वो 75 हुरे का ट्रेलर है और 72 हुरे की फिल्म है। अलग अलग फिल्म नहीं है ना, बात तो वही है। हम 72 और 75 की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिल्म तो वही है। तो दिस इज अ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन दैट द CBFC हैज रेज्ड एन इशू फॉर द इंडस्ट्री एंड द एंटायर इंडस्ट्री शुड रिएक्ट टू इट एंड विल रिएक्ट टू इट। आगे आगे लोग परेशान ना हो, तो कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होता भाई, हमारी इंडस्ट्री है ना, CBFC भी हमारे देश का ही है, लोग भी हमारे देश के ही हैं, ये कोई झगड़े की बात नहीं है। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वी आर नॉट अक्रॉस द टेबल। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि दिस डिसीजन जिसने लिया हुआ है, एन इंक्वायरी शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दोस पीपल, हु आर दिस पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उनके माइंड में क्या है। या लेकिन सर ऐसा होता नहीं, उड़ता पंजाब के टाइम पे क्या हुआ कि हाईकोर्ट के कहने पर सर्टिफिकेशन जारी हुआ और उस पर लिखा हुआ था बाकायदा कि ये हाईकोर्ट ने दिया है, CBFC ने नहीं दिया है। और आज की तारीख में जब OTT और इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑडियंस जा सकती है, क्या CBFC का औचित्य है देश में, होना चाहिए वैसी संस्था? नहीं देखो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, उसके लिए हम अलग सेमिनार करेंगे। CBFC इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट है कि गलत है वो, लेट्स नॉट गेट टू द डिबेट ऑफ इट बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट एंड वी डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट। वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग हियर टूडे ऑन आर फिल्म 72 हुरे है। दिस फिल्म की सक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिल्म का सक्सेस हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव रेज्ड, संजय एंड द प्रोड्यूसर्स हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ राइटर डायरेक्टर ही हैज रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर द पीपल टू रिएक्ट एंड पीपल टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। हाय सर, एक बस एक आखिरी सवाल था सर कि संजय सर से था सवाल कि सर मतलब ये जो इस तरह की फिल्में हैं 72 हुरे, इससे मतलब देश का जो सोशल फैब्रिक है वो कितना अफेक्ट नहीं होगा, लोग सोचेंगे इसके बारे में? सॉरी संजय, देखिए 7 तारीख को फिल्म देख लीजिए, ये बातें हम उसके बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा बिकॉज मैं फिल्म के बारे में ओबियस मजबूरियाँ होती हैं कि आप पहले से कुछ रिवील नहीं करना चाहते और हम बहुत सारी चीज़ों को सोच लेते हैं। फिल्म टेररिज्म की बात करती है, टेररिज्म से ज़रूर जो सोशल फैब्रिक है, जो समाज है वो बढ़ता है, तकलीफ़ें होती हैं, फिल्म उसी चीज़ की बात कर रही है। एक और रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि हमने अभी ट्रेलर देखा है, ट्रेलर के बारे में बात करें ज़्यादा बेहतर होगा, हम डिबेट करके चीज़ों को, क्योंकि ये चाहता हूँ मैं आपके रिएक्शन ट्रेलर को लेके जानने का, उसके इम्पैक्ट को, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम और सारे चीज़ों के अंदर डिविएट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे आप सही कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे इसके, उसके बाद ज़्यादा बेहतर होगा इसके ऊपर बात करने में। भाई संजय, मयूर फ्रॉम, हेलो जी, हेलो, हाँ जी, संजय जी, हाय, मयूर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। मेरे 2 सवाल है आपसे, यू नो ट्रेलर देखने के बाद और लाइक आई बिलीव यू नो ग्लोबली एनी फेथ अक्रॉस द ग्लोब इट अराइव्स डिराइव्स फ्रॉम एनी मैन्यूस्क्रिप्ट और एनीथिंग व्हिच इज इन स्क्रिप्ट कैन बी एडिटेड, यू नो देयर कैन बी अ कोर्स करेक्शन। और आपके ट्रेलर में जो एक लाइन है दैट देयर बिलीफ बिकेम देयर कर्स, ऑब्वियसली फिल्म तो एक माध्यम है लेकिन वास्तविक जीवन में यू नो इस पॉइंट को समझाना कितना कठिन होता है? देखिए, जो जिन लोगों को मोटिवेट किया जाता है टेररिज्म के लिए, जो इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, उनको एक खास तरीके से तैयार किया जाता है जिसके लिए बहुत सारे बातों को, आइडियोलॉजीज़ को, और कभी कभी उन सब बातों को जिनको हम आमतौर पर बातें नहीं करते उनका इस्तेमाल किया जाता है अपना पर्पज़ अचीव करने के लिए। सी, हम आसपास ये चीज़ें देख रहे हैं, टेररिज्म जिस कदर हो रहा है हमारे आसपास, अभी कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी US के अंदर टेररिज्म की बात की है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हिंदुस्तान बहुत फेस करता आया ही है और फिल्में भी समाज से ही उठती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग नज़रिया, मैं फ़िलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा टेररिज्म को लेके, इसको देखिए और उसके बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। सी, बाकी चीज़ें एक स्पेसिफिक, मैं सिर्फ फिल्म मेकर के तौर पर बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं समाज या और चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो मेरी फील्ड है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, ज़्यादा बेहतर बता सकता हूं। सर मेरे काफ़ी सवाल है, मैं सिराज सवाल है, जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन प्लीज़। सर ऑब्वियसली जो ऐसी फिल्में हैं, मेरा मानना है कि ये इंपॉर्टेंट इशूज़ है, इनके ऊपर बिल्कुल फिल्में होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बट जो जैसे कुछ फिल्में आई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट कहीं ना कहीं एक देखा है कि शायद एक टेम्पलेट है और जिसके कारण फिर ये एक ये भी बात होती है कि कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द एंटायर कम्युनिटी हो जाती है।
इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे संजय जी? मुझे लगता है आप फिर अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप फिल्म देख लीजिए। रही बात ये कि कोई टेम्पलेट देखिए, अगर कहीं पर कोई बुराई है और आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप पीछे क्यों हटना चाहते हैं, चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? टेररिज्म गलत है, आप मानते हैं इस बात को? तो अगर उसके ऊपर एक फिल्म बनती है, वो बात करती है, तो ये टेम्पलेट में कहाँ से आ गई? टेररिज्म को बहुत सारा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोप, हॉलीवुड, उन लोगों ने बहुत फिल्म्स बनाई हैं इसके बारे में, ये भी उनमें से एक है। आप इसको एक सर्टन कैटेगरी में मत डालिए। दूसरी बात, जो ये 2021 में इस फिल्म को अवार्ड मिला है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी फिल्म के बाद आई है या किसी टेम्पलेट का पार्ट है। हर चीज़ का अपना स्पेस है। हम एक बात कहना चाहते थे जिस चीज़ को हम प्रभावी ढंग से कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो सिंसेरिटी के साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स को, जो संजीदा विषयों के ऊपर फिल्म होती है, उनको ही ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, जो अभी अशोक सर ने बताया ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलें फेस करते हैं, फिर एक सर्टेन तरीके से आप बिना देखे ब्रांड कर देते हैं उनको। ये भी एक नज़रिया है। अगर मैं मान भी लूँ आपकी बात को, तो आप दूसरे पक्ष को सुनना क्यों नहीं चाहते उसके? तो सभी तरीके की चीज़ों के लिए स्पेस होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। मेरा ये नज़रिया है जिससे मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है। मैंने टेररिज्म की बात की है, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप उसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। संजय, मैं सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com। जी, ये जानना चाह रहा था कि इस फिल्म के लिए आपने कितनी रिसर्च की, किस किस तरह की रिसर्च की, और उसको स्क्रीन प्ले में ढालते हुए और एक लेंथ में बांधते हुए क्या क्या मुश्किलें पेश आई आपके सामने? सर, एक तो ये रिसर्च इस तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ऑब्वियसली करनी पड़ती है, बट फॉर्चुनेटली आज के टाइम में टेररिज्म के जितने इश्यूज हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपको ये मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो न सिर्फ मतलब हमारी राइटिंग टीम ने या जो दूसरा क्रू था उन्होंने, बल्कि एक्टर्स ने भी ख़ास तौर से किस लहजे के अंदर बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कशॉप्स हुई, बहुत एक लंबा प्रोसेस रहा उसकी तैयारी का, सो दैट कि जैसे जिस भाषा का इसमें इस्तेमाल किया है पवन मल्होत्रा ने, वो सरायकी बोलते हैं स्पेशली, हालांकि वो पंजाबी हैं लेकिन फिर भी सरायकी वो ये लाहौर में बोली जाती है। तो उसके एक्सपर्ट्स थे जो मतलब हर तरीके के जो चीज़ें होती हैं कि बेहतर और ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकें, उसका भरपूर ख्याल रखा गया इसके अंदर। और ऑफकोर्स रिसर्च की ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक जिस खास चीज़ के बारे में बात कर रही है, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उसकी रिसर्च नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जो कोड्स हैं, जो बातें हैं, जो डायलॉग्स के अंदर जो चीज़ें हैं, वो बहुत ऑथेंटिक और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस किया गया, क्योंकि बहुत थिन लाइन होती है जब आप इस तरीके की बात करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सबको किया है। तो ऑफकोर्स हर फिल्म की अपना एक प्रोसेस होता है, सभी लोग हार्डवर्क करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा है या उसमें कम है। मुझे लगता है कि फिल्म बनाना ही बहुत मेहनत का काम होता है, तो ये नई बात मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये पैशन है हमारा, शौक है, और तो जो भी होता है, बिकॉज उसी दुनिया में जीते हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए जो पॉसिबल है वो इंसान करता है। संजय जी और अशोक जी, दोनों सवाल, अभिषेक सर, मैं इंडियन से हूँ। मैं सवाल ये है कि क्या आप कहाँ अभिषेक तू जी इधर इधर दोनों से सवाल है। सवाल ये है सर कि क्या बहत्तर हुरे नाम को लेकर लोगों का विरोध है? आप बता रहे हैं फिल्में में शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी एक आतंकवाद को वो बनाया है, लेकिन क्या लग रहा है कि नाम को लेकर एक बड़ा विरोध हो गया? क्योंकि दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर हमको आप बदनाम कर रहे हैं, जो दूसरे धर्म के मुसलमान की बात करें, तो कहीं ना कहीं लगता है क्या जानबूझ के एक धर्म को टारगेट किया गया है, इसलिए बहत्तर हुरा नाम दिया गया, और यही कारण है विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो सेंसर बोर्ड ने न दिया हो परमिशन? अभिषेक, आपने हमारे अलावा सुना है कभी बहत्तर हुरे? फिल्म के अलावा भी सुना है कि नहीं आपने? आपने मौलवियों से सुना है कि नहीं सुना है? आप न्यूज़ इंडस्ट्री के हैं तो आप तो रोज़ वही चला चला के टीआरपी बढ़ा रहे हो अपनी, है ना? मौलवी जब बहत्तर हुरे करते हैं, डिबेट्स में भी हो रहा है सब कुछ, तो ये हकीकत तो है, ये तो आप नकार नहीं सकते हो कि हकीकत नहीं है, ठीक है ना? मैं तो कश्मीर से हूँ, तो मैं तो वहाँ तो हर गली में, हर कूचे में बहत्तर हुरे का जिक्र होता है। तो ये कहना कि इट्स अगेंस्ट अ रिलीजन, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग।
हम जैसे संजय जी ने कहा, हम जो हैं इसमें सिर्फ टेररिज्म की बात कर रहे हैं, आप कैसे बरगला रहे हैं लोगों को। और अभिषेक, बात का एहसास हम क्यों जुड़े इस फिल्म के साथ? टेररिज्म को जितना नज़दीक से मैंने देखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा होगा। मेरी बदकिस्मती है कि बिकॉज मैं ऐसे इलाके का हूँ, ऐसे जगह का हूँ, कि हमने दिन रात इनको फेस किया है, ठीक है ना। सो जहाँ तक सिंसेरिटी का सवाल है, जहाँ तक ईमानदारी का सवाल है, और तभी हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। एक भी चीज़ इस फिल्म में वो नहीं है जो कि हमने बताई है फिल्म में। ये मैं संजय की तरफ से या प्रोड्यूसर्स की तरफ से, बाकी प्रोड्यूसर की तरफ से मैं आपको जानता हूँ, इट्स अ सीरियस इशू जो ये फिल्म रेस करती है। इट्स फॉर एवरीवन, एक रिलीजन बेस नहीं है। और ये कहना कि हम लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं, वो भी गलत है। जैसे संजय ने कहा, जिस दिन आप फिल्म देखोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि कितने सीरियस फिल्म है, कितनी ईमानदारी से बनाई गई फिल्म है, और कितना इम्पोर्टेंट इशू रेस किया गया है। ये फ्रिवलस फिल्म नहीं है, ये किसी का मजाक उड़ाने वाली फिल्म नहीं है। इट्स अ सीरियसली मेड फिल्म। और संजय जिसने पहले लाहौर बनाई है, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो एक सीरियस फिल्म मेकर आपके सामने है। एक ऐसा फिल्म मेकर है जो चीज़ों को समझता है, एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो चीज़ों को समझता है। विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी क्वार्टर, फ्रॉम एनी वन, अगर गुलाब सिंह जी या किरण जी या अनिरुद्ध या इनकी पूरी टीम खड़ी होती है, तो खाली प्रोपेगेंडा के लिए और अपने करोड़ों रुपए जलाने के लिए नहीं हो सकता ना। इतने बेवकूफ नहीं है, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इन्होंने फिल्में बनाई इतनी बड़ी बड़ी, तो बेवकूफ तो कोई नहीं है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी मेकर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी डायरेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी प्रोड्यूसर को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसको दिल से लगता है कि ये इशू पर डिस्कशन होना चाहिए, ये इशू पर फिल्म बननी चाहिए, वो फिल्म बनाता है। हम मोर्चे नहीं निकालते हैं, हम फिल्में बनाते हैं। बात इतनी सी है। संजय, मैं तो आपका सवाल ही भूल गया क्योंकि सर ने इतना परफेक्ट जवाब दिया। मनीष एलिट न्यूज से सर, यहाँ मेरा सवाल गुलाब जी से, अनिरुद्ध एज अ प्रोड्यूसर, आप दोनों से मेरा जवाब है। जैसा अभी अशोक जी ने बोला कि पैसा जलाने के लिए कोई फिल्म नहीं बनाता है, जाहिर सी बात है जब फिल्म बनी है और नाम भी ऐसा है तो कॉन्ट्रोवर्सी तो होनी ही थी, और रिलीज तक कई अड़चनें आनी थी ये भी तय रहता है, जैसा अभी ट्रेलर के साथ हो रहा है। आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था उस समय जब आप इस फिल्म में पैसा लगा रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे कि इसको आगे चल रहे, क्योंकि अड़चने तो आनी ही है, कोई भी नहीं चाहता किसी अड़चन में फंसे, फिल्म आराम से निकल जाए, पैसे आए, सब कुछ आए, ऐसा रेवेन्यू भी दिमाग में चलता है एज ए बिजनेसमैन। तो आप दोनों से ये सवाल है मेरा। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि फिल्म बनाने का एक अवसर, और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसमें सच बोलने का अवसर हो, और ऐसा सच जो समाज की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला हो, उसमें पैसा लगाने से पहले ये डे वन हर आदमी जो मुझसे मिला, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता था या जो कुछ भी इसके बारे में जानकारी रखता था, उसने मुझे डिमोरलाइज किया। उसने मुझे समझाया कि पैसा आप आग में डाल रहे हो, पानी में नहीं डाल रहे हो, पानी का पैसा फिर भी निकाल के सुखाया जा सकता है, लेकिन आप पैसा जला रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक ऐसी फिल्म के लिए लगा दूँ जो एक विषय को सामने लेके आए, एक विचार को सामने रखे जिसके ऊपर वाद विवाद हो सके, जिसके ऊपर बातचीत हो सके कि ये क्या ठीक है, क्या इस तरीके से युवाओं को बगलाना और युवाओं को एक आतंक के रास्ते पे ले जाना और असंख्य लोगों की जान ले लेना, उनके परिवारों को उजाड़ देना, धन संपत्ति को समाप्त कर देना, क्या ये ठीक है? इस पे अगर हम एक विचार खड़ा कर सकते हैं, ग्लोबली हम लोगों को ये मौका दें और कहें कि आप इस पे विचार करिए और उन लोगों को कंडेम करिए जो ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं, धर्म का नाम लेकर के युवाओं को बर्बाद और बगला रहे हैं, उनको रोका जाए। ये विचार अगर कहीं आगे जा सकता है तो मेरा पैसा आग में जाए, पानी में जाए, मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा। अशोक जी एक नहीं, अभी तो 7th के बाद देखा जाएगा क्या है। We are just concentrating on the release now. First of all, let's see how people react to it. No, we are doing it on our own. Gulab ji is distributing and releasing the film on his own. Yeah, there is no studio, there is no partner, there is nobody. Sanjay, Kiran ji, Anirudh, and Gulab ji, they themselves, we are all releasing it on our own. We are confident about the film because we believe in this film.
अशोक जी एक सवाल जी, फिल्म की टाइमिंग को लेकर था, और ये मैं एक जर्नलिस्ट के होने के नाते भी पूछ रहा हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से ही कुछ और लोग भी थोड़े दिनों के बाद या थोड़े टाइम के बाद बात करना शुरू कर देंगे। टाइमिंग, फिल्म को बने मेरे ख्याल से 2-3 साल हो चुके हैं, 2021 में इस फिल्म को अवार्ड भी मिला, जैसा आपने दिखाया नेशनल अवार्ड मिला। आप बात कर रहे हैं 2023 में, अब जबकि 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। इस तरह की फिल्मों की बयार हमने देखी, चाहे वो केरल फाइल्स हो, कश्मीर फाइल हो, और भी बहुत सारी हैं, और लाइन में और बहुत सारी आ रही हैं, नाम मेरे पास हैं। तो आपकी इंडस्ट्री के ही लोग कहते हैं कि एक टाइमिंग को ध्यान में रखकर इस तरह का रिलीज किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा, जो शब्द आपको बहुत आपत्ति है, वो यहाँ पर उठ रही है टाइमिंग को लेकर, कि एक तरह का माहौल क्रिएट करने को लेकर। और लाइन से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर ही फिल्में, या उसके धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उनको फिल्म के जरिए सामने लाने को लेकर ही क्यों इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? वहां पर सवाल आपकी टाइमिंग का है, नियत का नहीं। आपसे को आपको कौन रोक रहा है वो फिल्म बनाने के लिए जो आप बनाना चाहते हैं? कोई नहीं रोक रहा ना आपको, आपको मतलब नॉट आपको, उन लोगों की बात बता रहा हूँ। मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर प्रोड्यूस की थी, ठीक है ना, और एक बात समझनी चाहिए, हमारे देश में हर 3 महीने में एक इलेक्शन होता है, ये 5 साल के बाद तो एक फास है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, हर 3 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन है। तो इस हिसाब से तो हमारे हिंदुस्तान में फिल्में नहीं बनेंगी, फिल्में बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो जो इशू बेस्ड फिल्म मेकर्स हैं, जो सीरियस फिल्म मेकर्स हैं, वो तो फिर फिल्म बना ही नहीं पाएंगे। फिर हमको तो टारगेट है यार, 3 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, पर फिल्म मत बनाइए। ये जो कम्प्लिसिटी है और ये गिल्ट की फीलिंग जो है ना, वो मेकर्स में नहीं होती, वो प्रोड्यूसर्स में नहीं होती। कोई भी किसी भी फिल्म को आप लेके चलो, वो टारगेट, वो एक अपना शेड्यूल बनाता है, उसको इंस्पायर करता है फिल्म मेकर को, संजय को, गुलाब जी को, सबको, एक सब्जेक्ट जरूरत, हम सब बैठते हैं और हमारे दिमाग में ये आता नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमारे पॉलिटिकल बिलीव सबके अलग अलग अपने अपने हैं, हर आदमी के अपने पॉलिटिकल बिलीव्स है, बट दैट डजंट कम इन द विद ऑफ मेकिंग अ फिल्म। ये चीज़ें हम लोग को दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, पहली बात तो ये बताइए, ये पॉलिटिशियंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि यार 4 साल के बाद, 3 साल के बाद चुनाव है, चले पेट्रोल बांटना शुरू करते हैं, खाना बांटना शुरू करते हैं। वी आर नॉट दैट, ट्रीट अस लाइक क्रिएटिव पीपल, मेकर्स द वे यू आर क्रिएटिव पीपल। हमको उस लेवल पे मत लेके आओ, यू नो, डोंट गेट अस इनटू दैट लेवल वेयर वी आर इतने इंटेलिजेंट हम लोग, हम पॉलिटिकल सिनेरियो देख के हम फिल्में बनाएंगे, ऐसे नहीं होता है। संजय ने जब फिल्म बनाई थी या सोचा था तो उसके स्क्रिप्टों पे काम हुआ है, टाइम लगा है। सो दिस थिंकिंग और दिस लॉजिक और दिस फिलॉसफी ऑफ मेकर्स टाइमिंग द फिल्म एज पर द इलेक्शंस, वी ऑल टोटली रिफ्यूज इट, एंड आई थिंक देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग ऑन दिस थिंग। फिर तो बोलने के लिए तो आदमी कुछ भी बोलता है, उससे कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक अशोक जी, रवि 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 बोल, एक सवाल ये, रवि ने और मैंने शर्ट के कलर पहनी है तो बोलने दो उसको, बोल रवि। सर एक सवाल था, एक सेकंड, लिख के लाया तू? नहीं, एक सवाल था कि ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। मैंने संजय पूरन सिंह का इंटरव्यू भी किया था घर जाकर, जब इसे नेशनल अवार्ड मिला था। मेरा सवाल है कि इसे दोबारा रिलीज करने की आवश्यकता आप लोगों को क्यों महसूस हुई? इसके पीछे की कुछ वजहों पर अगर आप लोग गौर फरमा सके तो अच्छा होगा। तो तू दूसरी बार देख ले फिल्म, क्या प्रॉब्लम है? सर मैं दे दूँ उसका जवाब। रवि जी, ये कहाँ रिलीज हुई थी फिल्म? सिनेमा घर, आप रिसर्च करके आए होंगे। कुछ सिनेमाघरों में तो रिलीज हुई थी, और जैसे नेशनल अवार्ड तो फिल्म रिलीज होने के सिनेमाघरों में रिलीज हो तब भी मिलता है। आपकी रिसर्च पूरी नहीं है। नेशनल अवार्ड के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है कि वो हिंदुस्तान में बनी है, और उसके लिए रिलीज की जरूरत नहीं होती है। तो ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है, ये अक्सर हम मान लेते हैं जब इसको बोलते हैं इफ़ी के अंदर वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पहली बार ये फिल्म दिखाई जा रही है। 2000 जो ये कोविड से पहले ये इफ़ी के अंदर फिल्म दिखाई गई थी, जहाँ पर कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने इसको देखा था और रिव्यू किया था इस फिल्म के बारे में। क्योंकि जब आप दिखाते हैं, यही एक सिस्टम होता है फिल्म्स को लेके, कमर्शियल रिलीज़ ये अब हो रही है। अच्छा, मुझे बताया गया था टीम की तरफ से कि कुछ सिनेमाघरों में रिलीज, जिसने तेरे को बताया वहाँ पर भेज देना उसको। अशोक जी मेरा सवाल एक ये है कि मतलब CBFC बोर्ड से तो मतलब जैसा आपने कहा कि सिनेमा के लिए तो पास हो गई है, बट अगर एक बार जब रिलीज़ हो जाएगी तो उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स होंगे, नेटिजन्स होंगे, जो है बॉयकॉट करेंगे फिल्म को, तो क्या उसके लिए भी तैयार हैं आप लोग? हमारे सबके पास AK-47 है हाथ में,
टेंशन मत ले तू. आई थिंक इट्स लेट्स एंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस. एक आखिरी सवाल अशोक जी आपसे. आपने आपने बोला कि सेंसर बोर्ड की बातें आपने तमाम बातें की. क्या आप पर्सनली प्रसून जोशी सर से मिलने वाले हैं? आपके दोस्त भी हैं, आप पर्सनली उनसे बात करेंगे इस बारे में और किस तरह से सॉल्व करेंगे? लेट्स सी कैसे हाउ थिंग्स टेक ऑफ. मैं आज तो नहीं बता सकता. हो सकता है प्रसून मिले मेरे को. मिलेंगे. मिलने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी. हम लोग एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं. दैट्स नॉट. वी हैव रेज्ड एन इशू टुडे रवि. झगड़ा थोड़ी है, कोई मारामारी थोड़ी है. इट्स एन इशू व्हिच वी हैव रेज्ड. दैट्स एज इंपॉर्टेंट एज दैट. जी बोलिए जी. अशोक जी, मैं स्मिता दैनिक जागरण से. अशोक जी, आतंकवाद पे बहुत सारी बातें चर्चा होती हैं, खबरें भी आती हैं, फिल्में देखते हैं, तो अक्सर लोग बातें करते हैं और वो बातें जो हैं वो कुछ आगे तक जाती हैं. तो उससे मुझे लगता है कि कुछ लोगों को एक सोचने का नज़रिया जो है वो ज़रूर मिलता है. बिकॉज़ आप लकीर के सीधे चलते रहेंगे और किसी और पक्ष को नहीं मानेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है. मुझे लगता है कि सिनेमा जब इस तरीके से मेन स्ट्रीम में आके बातें करने लगता है तो अक्सर ये चीज़ें थोड़ी आगे पहुंचती हैं. न्यूज़ चैनल्स पे बात होती है, लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट्स होती हैं, तो थोड़ा से ज़्यादा पहलुओं के ऊपर रोशनी पड़ती है जो ऑफकोर्स मददगार होती है इस चीज़ के अंदर. और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा ऑडियो विजुअल का बहुत ज़्यादा होता है. और अगर कुछ लोग इस सीधे को, अगर इसको ये एंटीथीसिस है टेररिज्म को लेके, अगर लोग इसको समझते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती. जी, एक आखिरी सवाल है रसल सर. एक छोटा सा सवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है. वन लास्ट सर, जिस तरह से कल न्यूज़ आई थी कल रात को और फिर आपका वीडियो भी आया था और काफ़ी देर ये आई थी, इज इट डैट कि आपको खबर भी, आई मीन इट यू ऑल वर इन्फॉर्म्ड वेरी लेट बाय द सेंसर बोर्ड अबाउट देयर डिसीजन, एंड इज इट कॉमन प्रैक्टिस कि वो लोग इतना लेट ये खबर मेकर्स तक पहुंचाते हैं कि दे डिड इट डिलिबरेटली? आई थिंक रसल दिस क्वेश्चन हैज नो मीनिंग हियर. देयर इज नो मीनिंग. इशू ये है कि हमको पता चला, हमें लेटर आया कि भैया ये करना है आपको, एंड वी हैव रिएक्टेड अकॉर्डिंगली. लेट हुआ, जल्दी हुआ, आई थिंक दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. Important is what happened. That's all. Thank you. Thank you. Thank you so photo much. Op ke liye khade jaate. We have prepared something good to eat also. Please, khate pite jayenge. Ritesh, lagwa do. मूवी एक नहीं दो नहीं